सौगात मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता, यकीनन वसूलों की सौगात होगी, नए लोग होंगे, नई बात होगी, मैं हर हाल में मुस्कुराता रहूंगा तुम्हारी मोहब्बत अगर साथ है। बहुत थका मानता हूँ, बहुत थका मानता, अभी दो रोज पहले तीन रोज पहले मदीना शरीफ से वापसी हुई है उमरा करके। मैं ये चाहता हूँ कि वहाँ की कुछ बातें हो जाए, नूरानी रातों में आपकी समातें मनोबलों का अवराख हो जाए, तुमका की सल्तनत पर इसके रसूल के झमाझम बरसता हुआ नूर के सामने में हमें वो काम करना है जिस काम से मेरा रब भी राजी हो जाए, रसूल भी राजी। एक मरतबा हाथ लहरा कर बोल दे या रसूल अल्लाह। अब इस तरह पढ़ रहा सुने, कितनी बुलंदियों में है चर्चा रसूल का। बड़े बड़े उलमा बैठे हैं, अल्लामा मुफ्ती शहीदुर रहमान साहब सुल्ला जैसे अजीम और जमात के कदावर आलिमुद्दीन, अल्लामा मुफ्ती शहाबुद्दीन सकाफी साहब, अल्लामा जसीमुद्दीन साहब सुल्ला और दीगर हमारे अहबाब शोराए किराम की शक्ल में बैठे हैं, सबका नाम नहीं जानता, मगर ये लोग वो हैं जिनका जूता जहाँ होता है जमाल अख्तर अपना सर रखता है। तो निजामत की कीमती ख्यालात के अमामे मेरे सर के सर जाया करते हैं। मिसरा पढ़ता हूँ, यहाँ से शुरू होता हूँ, थोड़ा सा पुरानी वक्त में पहली बात मामला था, इसलिए मैंने थोड़ा सा वक्त ले लिया, माजरा चाहूंगा, वरना निजामत में आज तक कोई हाथ नहीं पकड़ा है 15 साल की उम्र में। सुने आप, कितनी बुलंदियों में है चर्चा रसूल का। बोले 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 कितनी बुलंदियों पे है चर्चा रसूल का। कुरान पढ़ रहा है खुतबा रसूल का। कितनी बुलंदियों पे है चर्चा रसूल का। आपकी आवाज नरम नहीं पड़नी चाहिए, क्यों? क्योंकि एहसास करा दो जोश है तेरे पास तो तू हिम्मत से काम ले, बेखौफ हो के आग के शोलों को थाम ले। क्यों डर रहा है सुर्ग की तारीखियों से तू? हर संत नूर छाएगा अल्लाह का नाम, इसलिए उसका नाम लेते रहे, मुस्तफा के पाकीज़ा जलसे में अपने आप को मुकद्दम बनाते रहे। कितनी बुलंदियों में है चर्चा रसूल का। कुरान पढ़ रहा है खुतबा रसूल का। पूछा मैं चांद से के इतना हसीन हो क्यों? बोला कि मैंने चूमा है तलवार रसूल। पूछा मैं चांद से के इतना हसीन हो, पूछा मैं चांद से के इतना हसीन हो, पूछा मैं चांद से के इतना हसीन हो क्यों? बोला कि मैंने छूमा है तलवार रसूल का। हजरत आइए, मिजाज आपका बनेगा इंशाअल्लाह, मैं जरा अपनी निजामत के रंग के पट खोलूंगा और आपकी समातों के बंद दरवाजे के जो कुफल लगे हैं उस कुफल को तोड़ने के लिए आला हजरत के फैजान पर खूबसूरत चाबी बनकर अल्लामा मुफ्ती शहीदुर रहमान जिप्सी साहब किबला जैसे अजीम खतीब की वारिद मसूद में बड़े नूर पर हुई है। मैं इस वक्त चाहता हूँ कि आपकी समातों को सरखेज बनाने के लिए इश्क रसूल के अहाते में आपको दाखिल करने के मदीना शरीफ के शहर से आपके रक्त और जवाबित तो कुर्ब से करीब तक करने के लिए जहां अच्छे शोरा का इंतखाब जनाबे ताजुद्दीन साहब ने किया है, वही हजरत अल्लामा शाहबुद्दीन साहब किबला की सदारत में अच्छे अच्छे उलमा का भी इंतखाब किया है। इस वक्त मैं चाहता हूं नादिया शायरी के खूबसूरत आवाज आपकी समातों के करीब इशाबाद से ही पहुंच रही है। मैं चाहता हूं कि इस वक्त बिला ताखीर खिताबत के रमक तूफानी शौक में जज्बाती तूफानी खिताबत के लिए नहीं बल्कि आपकी समातों के जुल्फों को संवारने के लिए जमात अहले सुन्नत का एक बहुत उम्दा खदीब नायाब हीरे की शक्ल में हजरत अल्लामा मुफ्ती शहीदुर रहमान साहब किबला जैसे अजीम उस्तादुल उलमा की बारगाह में मोहब्बत का खिताब पेश करता हूँ। आइए उनका इस्तकबाल कर लीजिए, खूबसूरत खिताब से अपने समातों को करीब कीजिए, हाथ उठाकर इस्तकबाल फरमाइए। बहुत चालाक आदमी आप लोग लगते हैं, मगर जैसा तेरा सवाल वैसा मेरा जवाब, जैसा आपका नगराना वैसा मेरा फातिहा। याद रखिएगा, आज आपका भी किसी अनाउंसर से पहला पड़ा है। मदीने शरीफ से लौटा।